Don't forget to subscribe and press the bell icon to never miss a video from testbook.com. हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू testbook.com। तो जैसा आपको दिख रहा होगा कि शुरू हो चुका है हमारे जो 75 क्वेश्चंस का महासंग्राम, मतलब 75 क्वेश्चंस हम लोग करते हैं जो हमारे एग्जाम में इम्पॉर्टेंट है, जो पूछे जा सकते हैं, उन सभी के ऊपर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं। और आप लोग यहाँ पर, कल बहुत अच्छा लगा कि बहुत सारे लोगों ने हमारी बात मानी और कमेंट किया, ठीक है। तो उन सभी लोगों को सबसे पहले तो तहे दिल से शुक्रिया जिन लोगों ने बाद में कमेंट किया। तो गाइज, जल्दी से सब लोग बताएंगे ऑडियो वीडियो अच्छे से सुनाई दिखाई दे रहा है कि नहीं। जितने भी लोग हैं सभी लोग यहाँ पर बताएंगे, जुड़े हुए लोग, कि हमको ऑडियो वीडियो अच्छे से आ रहा है, ताकि आप लोग एक से लेकर के 75 तक क्वेश्चन तक, ईच एंड एवरी क्वेश्चन को रात में हैंड पिक क्वेश्चन बनाते हैं हम, जिससे कि आपके एग्जाम में वो आपको ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दिला सके। उसके राउंड जितने भी हमारे क्वेश्चन बन सकते हैं वो सारे के सारे आप क्वेश्चन कर सको। चले, तो यहाँ पर सुनीता, अमित, रितिका सभी लोग जुड़ गए हैं और सभी लोग बोल रहे हैं निशी, सीके, ऋतु की इस पर आवाज बहुत बढ़िया से आ रही है। चलिए गाइस, तो यहाँ पर मुझे लगता है कि पहला क्वेश्चन अभी हम लोग को डिस्कस करना चाहिए कि क्या है पहला क्वेश्चन और वो आपसे क्या पूछने वाला है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर ये है, आपको बताना है, आई होप सो, यहाँ क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। तो जब तक आप लोग यहाँ पर जुड़ रहे हो तब तक आज वाले क्वेश्चंस हम लगा लेते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ये कल वाले क्वेश्चंस हैं जो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जल्दी से फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, जब तक हम जो है वो आपके सामने क्वेश्चंस लगाते हैं आज वाले, ठीक है। आज वाले क्वेश्चन आपके सामने हम लगाते हैं, तब तक आप सभी लोग अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो फटाफट से। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, दारा सिको ट्रांसलेटेड भगवत गीता एंड उपनिषद इनटू विच लैंग्वेजेस। यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि दारा सिको ने भगवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद किस भाषा में किया। दारा सिको शाहजहां जी के बेटे थे और इन्होंने भागवत गीता और उपनिषदों का अनुवाद किया, फारसी में, अफगान में, अंग्रेजी में या पाली लैंग्वेज में। पहला क्वेश्चन है और यहां से लेकर के 75 क्वेश्चन तक हमको जुड़े रहना है। और मैं यहां पर देख रहा हूं सभी को दिखाई दे रहा है, आई होप सो सभी को सब कुछ अच्छे से दिखाई दे रहा है। तो यहां पर प्रियंका, निशी का, अर्चना का, सीके का जवाब जो है वो आ रहा है, अनिल का, सुनीता का, सबका जवाब आ रहा है। तो गाइज, यहां पर जैसा कि हम लोग यहां पर जो हमारा सबसे बड़ा गिफ्ट है वो है एग्जाम में सिलेक्शन। और यहां पर बहुत सारे लोगों ने मुझको मैसेज किया कि सर आप अपने फेवरेट स्टूडेंट को देते हैं गिफ्ट। भैया, हम डिसाइड नहीं करते, हमारी टीम डिसाइड करती है, हमारा उसमें कोई भी हाथ नहीं रहता है। और मैं आपको बार बार बोल चुका हूं कि सबसे बड़ा गिफ्ट होता है आपका सिलेक्शन। आप अगर सेलेक्ट हो रहे हो तो यू आर द सबसे बड़ा आपको जो है वो गिफ्ट होगा आपके लिए। तो उसके लिए पढ़ाई करिए और अपने यहाँ पर 75 में 75 क्वेश्चंस को करिए, उसके राउंड बातें करिए, चीजों को सीखिए, दैट्स इट। और इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलना चाहूंगा। अब यहां पर सही जवाब क्या है, तो पर्शियन लैंग्वेज में इन्होंने कन्वर्ट किया था। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि ये इन्होंने 1657 में कन्वर्जन किया था। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टैंडर्ड स्केल ऑफ टेम्परेचर इज, तापमान का मानक स्केल क्या है, गैस स्केल, मरकरी, प्लेटिनम रेजिस्टेंस स्केल या थर्मोकपल। टेम्परेचर अगर मेजर करना है तो उसका स्टैंडर्ड स्केल किससे आप मेजर कर सकते हैं। तो यहां पर जनता बोलेगी सर अगर हम लोग जाते हैं बोल सकते हैं कि क्लिनिक थर्मोमीटर जिसको बोलते हैं, तो वो हमारा जो थर्मोमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं मरकरी थर्मोमीटर, जो कि हमारे -37 से लेकर के 3656 डिग्री सेल्सियस तक मीजर करता है मरकरी थर्मामीटर। और ये एक स्टैंडर्ड है जैसा कि यहां पर बताया, तो -37 डिग्री सेल्सियस थोड़ा सा अपडेट हो गया है ना, से लेकर के 356 डिग्री सेल्सियस तक आप यहां पर बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर मुझे इससे भी कम टेम्परेचर को मीजर करना है जैसे कि हमारे ध्रुवों में, तो मरकरी की जगह पर एल्कोहल का इस्तेमाल किया जाता है। आगे की तरफ चलते हैं, हु वॉज द फर्स्ट इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली। हमारे संविधान सभा के नव निर्वाचित सदस्य कौन थे, सबसे पहले अध्यक्ष कौन थे, बी आर अंबेडकर, जेपी कृपलानी, जवाहरलाल नेहरू जी या डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। तो यहां पर हमको उन्होंने सीधे सीधे पूछा है कि अध्यक्ष कौन थे,
जो 11 दिसंबर से कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली परमानेंट चलना स्टार्ट हो गई 1946 से, यहां पर जनता का मानना है कि सर राजेंद्र प्रसाद होना चाहिए। एक्यूरेसी के ऊपर फोकस रहना है सभी को, है ना, विक्टोरिया, अनिल, सौरभ। आगे की तरफ चलते हैं, एक यहां पर बुक लिखी हुई है अनटोल्ड स्टोरी, ठीक है, बहुत फेमस बुक है, है ना, बहुत सारे इनाम जीते हुए हैं, मोनिका अली, अबीगेल लुइस मॉर्गन, तहमीमा अनम या हमारे जेडी एथलीट स्मिथ, क्या होना चाहिए अनटोल्ड स्टोरी। और ये मैंने आपको कराया भी हुआ था, देखते कितने लोगों को याद है। तो यहां पर जनता बोली सर इसका सही जवाब होना चाहिए, ये एक बांग्लादेश और ब्रिटिश मूल की है और मैंस बुकर प्राइज इन्होंने जीता हुआ था अपनी पहली बुक के लिए, फर्स्ट बुक के लिए, जिसका नाम था ब्रिक लेन। और उसके बाद से इनकी जितनी भी हमारी किताबें आई वो बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि बिकी और बहुत ज्यादा बोल सकते हैं कि पॉपुलर हुई। तो यहाँ पर जो सही जवाब है मोनिका अली, जितने लोग बोल रहे हैं मैंने आपको हिंट भी दे दिया था कि सही जवाब क्या होना चाहिए, तो यहाँ पर मोनिका अली इज द राइट आंसर, अनटोल्ड स्टोरी, और इसके ऊपर मूवी भी बन रही है। आगे की तरफ जाते और हमारे पास है क्राइस्ट चर्च कॉल टू एक्शन, वॉट इज दिस मीन, क्राइस्ट चर्च कॉल एक्शन, इसका मतलब क्या होता है। इसका उद्देश्य है ऑनलाइन आतंकवाद का मुकाबला करना, यह मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में रूपरेखा प्रदान करती है, इसका उद्देश्य ध्वनि प्रदूषण को कंट्रोल करना है या वन्य जीव संरक्षण के लिए आह्वान करता है। क्राइस्टचर्च कॉल टू एक्शन यहां पर बोला गया है, तो जनता यहां पर जवाब जरूर देना है। और सारे के सारे बता रहा हूं हैंडपिक क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। और ये हमारा जो है न्यूजीलैंड की मस्जिद पर हुए हमले पर है, क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड का एक शहर है जहां पर मस्जिद में हमला हुआ था और 51 लोग मारे गए। तब से ये हम लोग ऑनलाइन जो आतंकवाद है उसको कैसे निपटा जाए ये यहां पर आया गया। तो यहां पर एक नंबर दैट वाज द राइट आंसर, आतंकवादी घटना को रोकने के लिए ये बनाया गया था, दैट वाज द राइट आंसर, और ये एग्जाम में आपको देखने को मिल सकता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको बताना है विच कंट्री इज द फोर्थ लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड, हमारे यहाँ पर लार्जेस्ट पॉपुलेशन की बात की गई। आपको आज पुष्पक सर पढ़ा रहे थे, मैं भी उस क्लास में था, सर ने बताया था कि चाइना में 3 बच्चों की पॉलिसी आ गई, वहां पर मतलब सारे जो है वो बूढ़े बूढ़े लोग हो गए, तो 3 बच्चों की पॉलिसी आ गई, करंट अफेयर्स क्लास का क्वेश्चन है। ठीक है, वहां पर लोग 3 बच्चे रख सकते हैं, तो आपको बताना है कि चौथी सबसे बड़ी पॉपुलेशन कौन सी है। तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर होना चाहिए अमेरिका, अमेरिका की तरफ जा रहे हैं, तो सबसे नंबर एक पर तो चाइना है हम सभी को पता है, और दूसरे का भी पता है कि इंडिया है। ठीक है, अब तीसरे चौथे पे बड़ा कंफ्यूजन होता है, तो गाइस तीसरे नंबर पे आता है अमेरिका, अमेरिका की पॉपुलेशन तीसरे नंबर पे है, एंड चौथे नंबर पे आती है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया की जो कैपिटल है वो पॉपुलेशन है वो चौथे नंबर पे है। देन उसके बाद से हमारा पाकिस्तान आता है 5वें पर, और 6ठे पर ब्राजील आता है, मतलब पाकिस्तान 5वें पर है, हमारा ब्राजील जो है वो 6ठवें पे है, अमेरिका तीसरे पे है और इंडोनेशिया चौथे पे है। तो याद रखिएगा यहां पर से क्वेश्चन क्रिएट हो सकता है। आगे आपके पास आता है इनमें से कलंदर की उपाधि किसने ली थी, हु बिकम द कलंदर इन इंडिया, बाबर थे, हुमायूं थे, अकबर थे या शाहजहां थे, कलंदर किसको बोला गया। तो गाइस हमारे लिए उपाधियां, निक नेम, टाइटल्स सब बहुत इंपॉर्टेंट है, चाहे वो किसी शहर का हो या किसी बादशाह का हो या किसी हमारे फ्रीडम फाइटर का हो, जरूर पूछा जाएगा। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद अकबर बाबर, जितने लोग बोल रहे हैं जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर बिल्कुल सही बोल रहे हैं, जो सबसे पहले हमारे हिंदुस्तान में मुगलों के संस्थापक के रूप में आए थे पानीपत के पहले युद्ध के बाद, तो जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इज राइट आंसर। इनका जो मकबरा है वो पहले आगरा के आरामबाग में था लेकिन अभी काबुल में है। आगे तक चलते हैं राजस्थान बर्ड सेंचुरी, ठीक है, बर्ड सेंचुरी इन राजस्थान विच इज फेमस फॉर साइबेरियन क्रेन, जो साइबेरियन क्रेन के लिए फेमस हमारी पक्षी अभयारण्य राजस्थान का कौन सा है, रणथंभौर है, किचन है, सारिस्का है या केवलादेव घाना जो कि हमारा भरतपुर में है। तो जनता क्या लग रहा है, क्वेश्चन कराया हुआ है, ठीक है, जो लोग रेगुलर रिवाइज करते हैं उनका बिल्कुल सही होगा। तो यहाँ पर विजय को क्या लग रहा है, पूजा को लग रहा है कि सर होना चाहिए यहाँ पे सही जवाब, क्या होना चाहिए। तो गाइज यहाँ पर जो हमारा सबसे फेमस है जिसको हम लोग भरतपुर पक्षी अभयारण्य भी बोलते हैं, इसको 1975 में बनाया गया था और ये साइबेरियन क्रेन्स के लिए बहुत फेमस है, सर्दियों में यहाँ पर साइबेरियन क्रेन्स आते हैं, और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये राजस्थान की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल है। तो गाइज ये हमारा भरतपुर का पक्षी अभयारण्य, जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे की तरफ तो चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है हु वॉज द ऑथर ऑफ द न्यू बुक टाइटल इंडिया एंड एशिया जियोपॉलिटिक्स द पास्ट एंड प्रेजेंट,
इंडिया और एशिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उसके ऊपर किताब लिखी गई द पास्ट एंड प्रेजेंट किसने लिखी है? शिव शंकर मेनन, ज्योतेंद्रनाथ दीक्षित, एम के नारायण या कवल सिब्बल। तो गाइज ये हमारी हो गई करंट अफेयर्स का क्वेश्चन बुक एंड ऑर्थर का। देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब दे रहे हैं। और सबसे पहले तो अपने नाम जो है ओरिजिनल रखिए जैसे कि आप लोगों का परफॉर्मेंस मुझे भी पता चले, है ना। तो यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए। यहाँ पर शंकर मेनन की ये किताब है जो हमारे ग्लोबलाइजेशन जो रहा था उसके ऊपर लिखी गई किताब है। तो शिव शंकर मेनन इज राइट आंसर। जितने लोग बोलेंगे तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, तो यहाँ पर मैं उन सभी को बधाई दूंगा जिन्होंने इस क्वेश्चन को अच्छे से पढ़ा है। आगे की तरफ चलते, आगे आता है बेरिलियम का प्रतीक क्या होता है, व्हाट इज द सिंबल ऑफ बेरिलियम। काफी कंफ्यूजन है, बी है, बी ई है, बी ए है या एल आई है। तो मतलब एल आई तो लिथियम का है तो उसको एलिमिनेट कर देते, अब तीन में से एक बता दो। यहां पर जनता क्या बोलने वाली है, यहां पर जनता बोलने वाली है सर बेरिलियम यहां पर लिखा हुआ है और इसका सिंबल जो होता है वो क्या होता है। तो जनता रोहित का मानना है ना, रितु का मानना है, प्रशांत का मानना है कि सर ए होना चाहिए, मतलब बेरिलियम को बीई से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर मैं यहां पर बोरान पूछ लेता तो बोरान को सिर्फ बी से रिप्रेजेंट करते हैं, और बेरियम अगर मैं लिख देता सिर्फ बेरियम तो बी ए से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बोरान है, सॉरी हमारा ये बोरान, ठीक है। और अगर हम लोग देखेंगे तो ये क्या है, ये बेरियम है, बोरियम है, और अब बचा कौन सा, तो यहां पर ऑप्शन नंबर टू जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ये बेरिलियम है। तो बोरान को आपको बेरिलियम नहीं बनाना है। आगे तो चलते आपको बताना है विच कंटिनेंट हैज नो कोल्ड वेदर। यहां पर बिल्कुल भी ठंडा मौसम नहीं होता है क्योंकि यहां से इक्वेटर जाती, इक्वेटर पास होती है भूमध्य रेखा, और सूर्य की किरणें या तो तिरछी पड़ती हैं या तो सीधी पड़ती हैं। अफ्रीका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या एशिया। तो यहां पर जनता बोल रही है कि सर जैसी स्थिति हमारे इंडिया की है वैसी ही स्थिति ऑस्ट्रेलिया की है दक्षिणी गोलार्ध में, तो वहां पर भी ठंडी पड़ती है और गर्मी पड़ती है। लेकिन हमारा जो अफ्रीका कंटिनेंट है जिससे बीचों बीच से जो हमारी कौन सी रेखा गुजर रही है, हमारी इक्वेटर गुजर रही है, वहां पर किसी भी तरीके का ठंडा मौसम नहीं होता है, सूर्य की प्रकाश हमेशा यहां पर पड़ता रहता है। गाइज यही प्रश्न आपका 2017 के यूपीएसआई में पूछा गया क्वेश्चन था। तो गाइज ये देखिए यूपीएसआई मतलब उत्तर प्रदेश दरोगा के 2017 का प्रश्न है। अगर आप इसका जवाब दे रहे हैं तो आप लोग बढ़िया से पढ़ाई कर रहे हैं, थोड़ा सा मैप को और अच्छा सा देखिए डिटेल में, क्योंकि प्रश्न मैप से पूछता है। भैया आपको मैप की कितनी नॉलेज है आपके एग्जाम में, मैं बार बार जो चीज बोलता हूँ आपको करना है। हाल में ही पॉक्स 186 हमने न्यूज में सुना, रिसेंटली वी हैव रिसेंट लेसन अबाउट द पॉक्स 186, ये किससे संबंधित है। स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट कार्यक्षमता या ओपन सोर्स ब्लॉकचेन या मेलिशियस कंप्यूटर वॉर्म डेवलप्ड बाय द इजराइल रिसेंटली स्पॉटेड बाय द फर्स्ट ब्लो अवे गैलेक्सी या इनमें से कोई नहीं। जनता अभी हम लोगों ने सुना हुआ है, अगर आप लोग बताएंगे तो मुझे ज्यादा अच्छा लगेगा। कितने लोग करंट अफेयर्स की क्लासेस रेगुलर देखते हैं, उसका अध्ययन करते हैं और यहां पर जवाब दे रहे हैं। तो गाइस अगर आप सभी लोगों ने देखा होगा तो हमारे जमीनिका के एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने अपने टेलीस्कोप से एक नई बोल सकते हैं गैलेक्सी देखी जो ब्लो अवे थी। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगा, ये एक नई आकाश गंगा है जिसको नाम दिया गया पॉक्स 186। तो याद कर लीजिए आज यहां पर ब्लो अवे ये गैलेक्सी है हमारी पॉक्स 186 जो कि जमैका से देखी गई थी, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, हमारे पास आता है जादो पाटिया पेंटिंग इज एसोसिएटेड विथ विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब्स ऑफ झारखंड। हमारी जादो पाटिया जो है वो चित्रकला झारखंड की किस जनजाति से संबंधित है, आसूर है, संथाल है, बिरोहर है या खाड़िया है। अभी मैंने आप लोगों को बताया कि सबसे अनडेवलप्ड कौन सी है, तो आप लोगों ने बताया सर बिरहोर है। अब यहीं पर एक और क्वेश्चन यहां पर मैं जनजाति का पूछ रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि यहां पे मैं जो जनजातियों के ट्राइब्स के क्वेश्चन लेकर के आ रहा हूं उसी में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाए। जरूर अपनी पीडीएफ को रिवाइज किया करो, क्योंकि मेरा मानना है कि हम उतना ज्यादा रिसर्च कर रहे हैं जितना एसएससी की टीम करती है, जिससे कि आपको वही क्वेश्चन मिले जो आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो यहां पर सही जवाब हो जाएगी संथाल, जो कि एक विद्रोह भी था, ये जादो पोटिया चित्रकला है जो संथाल झारखंड से रिलेटेड है और संथाल विद्रोह भी आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, आपके सामने आता है रिंच फॉल्ट इज अनदर नेम ऑफ, रिंच भ्रंश जो है ये किसका दूसरा नाम है। टिप स्लिप दैट वाज द
ऑप्लिक स्लिप, दैट वाज द स्ट्राइक स्लिप, या आपके स्कार्प, किसका जो दूसरा नाम है आपका व्रिंच फॉल्ट। आप लोगों ने कल बताया कि सर ये जो हमारे फॉल्ट है, जब दो चीजें हमारी दो है वो नीचे की तरफ खिसक जाती हैं तो वहां पर एक फॉल्ट बन जाता है, और इसको हम लोग बोलते हैं व्रिंच फॉल्ट को स्ट्राइक स्लिप। स्ट्राइक स्लिप जो होती है उसका दूसरा नाम है व्रिंच फॉल्ट। अब यहां पर एक क्वेश्चन करेंसी से है, मतलब स्टैटिक से है क्वेश्चन, करेंसी कहां की, साउथ कोरिया की। यहां पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि साउथ कोरिया की करेंसी कौन सी है, येन, टका, यूरो या वॉन, क्या होना चाहिए गाइस, और इन सभी के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो गाइस साउथ कोरिया की जो करेंसी है, जैसे कि यहाँ की कैपिटल सियोल है और यहाँ की जो करेंसी है वो है, आपकी जनता ने जवाब देना शुरू किया है, सर वॉन होनी चाहिए यहाँ की करेंसी। जितने लोग डब्ल्यू ओ एन वॉन बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, क्योंकि येन जो है वो हमारी कहाँ की है, वो हमारी जापान की करेंसी है। यूरो जो है वो यूरोपियन कंट्रीज की होती है, और टका जो है ये बांग्लादेश की है। तो जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब बोल रहे हैं। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, चार नंबर इसका सही जवाब था, ठीक है। कई लोग येन और युआन में बहुत हमारे कंफ्यूज होते हैं, युआन जो है ये चाइना की है जबकि येन जो है ये जापान की है। युआन और रेनमिनबी ये चाइना की दो करेंसीज है जो आपके एग्जाम में कई बार देखी गई है। आगे की तरफ चलते हैं, डिफिशियंसी ऑफ फॉलोइंग कॉजेस रिकेट्स, इनमें से किस विटामिन की कमी से रिकेट्स होता है, विटामिन ए, प्रोटीन, विटामिन डी या विटामिन बी, क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब। यहाँ पर डिंपल सिंपल का मानना है, गुप्ता जी का मानना है कि सर रिकेट्स मतलब हड्डियों का लचीलापन, और ये हमारे विटामिन डी की कमी से होती है। तो जितने लोग हमारे विटामिन डी बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब है, हड्डियों की बीमारी होती है। अगर हम लोग बात करें तो हमारी विटामिन ए से कौन सी बीमारी होती है, तो नाइट ब्लाइंडनेस, रतौंधी हो जाती है, हेक्सोपैथेल्मिक आइज हो जाती है। प्रोटीन से कासवाकॉस हमारी बीमारी हो जाती है, और विटामिन बी कॉम्प्लेक्स से अलग अलग बीमारी होती है, जैसे बी वन से हमारी बेरी बेरी होती है, ठीक है। तो आपको ये सारे के सारे विटामिन के साइंटिफिक नेम और उनकी जो है वो कौन सी बीमारी हो रही है आपको पता होना चाहिए। आगे की तरफ चलते हैं, पुल्लिकली भारत के किस राज्य का एक मनोरंजक लोक नृत्य है, पुल्लिकली। तो गाइज यहां पर केरल बोल दू, सिक्किम बोल दू, कर्नाटक बोल दू, पंजाब बोल दू। अगर आपको नहीं भी पता है तो भी आप गेस जरूर करिएगा कि कहां का लग रहा है आपको। यहाँ पर जनता बोले सर पुल्लिकली अगर मेरे एग्जाम में आता तो मैं जो है वो इसको टिक करता या इसको टिक करती, क्या जनता बोलने वाली है। यहाँ पर जनता बोल रही है सर ये साउथ इंडिया का, पुल्लिकट, पुल्लिकली, ये साउथ इंडिया के नाम होते हैं, और यहाँ पर अगर हम लोग देखेंगे तो ये एक बोल सकते हैं नुक्कड़ ड्रामा के तरीके डांस किया जाता है, और ये ओणम के चौथे दिन किया जाता है। तो ओणम के चौथे दिन किया जाने वाला डांस जिसको हम लोग पुल्ली, पुल्ली का मतलब होता है तेंदुआ और कली का मतलब होता है प्ले, मतलब तेंदुआ या बाघ की ड्रेस पहन करके ये किया जाता है। तो पुल्ली को हम लोग बोलते हैं मलयालम में तेंदुआ या बाघ, तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा केरला। तो मैंने आज तुम लोग को एक मलयालम वर्ड सिखा दिया, पुल्ली का मतलब होता है तेंदुआ इन मलयालम, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, और केरला की कैपिटल तिरुवनंतपुरम है, सभी को पता होना चाहिए। आगे हमारे पास आता है पांडवनी जो है ये फोक डांस किस राज्य से संबंधित है, गोवा, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या बिहार। तो गाइस कल जिन लोगों ने कमेंट किया था हमको बड़ा अच्छा लगा था, और कमेंट करिए मुझे अच्छा लगता है, तो आप लोग क्या मेरे को अच्छा जो चीज लगता है नहीं कर सकते हो। क्लास खत्म होने के बाद अपने एग्जैक्ट स्कोर बताइए, जैसे कि गुप्ता, सौरभ गुप्ता जी ने बताया था, है ना, सीके ने बताया था, फरीन बानो ने बताया था, तो आप लोग भी कमेंट करिए, और यहाँ पर क्लास के बाद कितने आपके स्कोर हो रहे हैं वो बताइए, हमको बड़ा अच्छा लगेगा। तो पांडवनी महाभारत काल के जो चित्र है उनको यहाँ पर दर्शाया जाता है, दैट वाज द छत्तीसगढ़। प्रियंका तो छत्तीसगढ़ की है, और यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ लेके जाते हैं, किरचॉफ का जो लॉ है, किरचॉफ का जो प्रिंसिपल है ये किस पर आधारित है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म पर है, फ्लोटेशन पर है, इलास्टिसिटी पर है, या विकिरण के सिद्धांत को भी किरचॉफ ने बताया था, क्या होना चाहिए सही जवाब। रवि रंजन जो क्लास के बाद आप जाते हो नीचे कमेंट का ऑप्शन आता है वहां पर कमेंट करना है ना, क्लास जब खत्म हो जाती है उसके 5 मिनट बाद वो ऑप्शन जो है वो आपका आने लगता है। तो यहां पर उन्होंने परफेक्ट ब्लैक बॉडी का जो रेडिएशन का कॉन्सेप्ट है उसको बताया था, किरचॉफ का जो है रेडिएशन का कॉन्सेप्ट था। तो आपको याद रखना है किरचॉफ ने जैसा कि सीके रेडिएशन का पूर्ण रूप से जो काली वस्तु होती है उसके बोल सकते अवशोषण और रेडिएशन का सिद्धांत बताया था। कई लोगों को किरचॉफ का करंट का लॉ भी लग रहा है,
लेकिन यहां पर इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म दिया हुआ है, इसलिए आप यहां पर इसको नहीं टिक करेंगे, चार नंबर के ऊपर टिक करेंगे। याद रखिएगा हमारा इलेक्ट्रो मतलब आपने बोला हो ना एक ही पॉइंट पर चारों करंट की धाराएं मिलती हैं, सारी करंट की धाराएं, तो ये वाला भी है, लेकिन ये बेसिकली करंट लॉ इसको बोला जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का लॉ हमारे फैराडे ने दिया था। ठीक है, आगे की तरफ चलते हैं। आगे हमारे पास आता है ब्रिटिश कंसीडर ट्रीटी ऑफ बेसिन ऑन द 31 दिसंबर 1802 विथ, हमारे जो बेसिन की संधि है उसको किसके साथ की थी ब्रिटिशर्स ने 1805 में, सिंधियों के साथ, होलकरों के साथ, भोसलाओं के साथ या पेशवाओं के साथ। तो बेसिन की संधि बहुत इंपॉर्टेंट है, ट्रिटीज जितनी भी है, किस युद्ध की ट्रिटी किसके साथ हुई आपको अच्छे से पता होनी चाहिए, आपको अलग अलग क्लासेस में हमने बताई हुई है। तो ये पुणे की लड़ाई थी जिसमें हमारे बोल सकते हैं कि इंडो बोल सकते हैं कि एंग्लो और हमारा मराठा वॉर का युद्ध हुआ था, उसका अंत हुआ था बेसिन की ट्रीटी से। बाजीराव सेकंड जिनको हम लोग नाना साहब भी बोलते हैं, उन्होंने किया था ये हमारे अंग्रेजों के साथ, और उनको कुछ पेंशन बांध दी गई थी जिसको बाद में बंद कर दिया गया। तो ये पेशवाओं के साथ और बाजीराव सेकंड ने ये की थी ट्रीटी जिसको बेसिन की ट्रीटी बोलते हैं पुणे की लड़ाई के बाद। आगे आपके पास आता है निम्नलिखित में से किसने अपना डोपिंग रोधी शिक्षा और शिक्षण मंच एडल लॉन्च किया। एडल मतलब देखिए क्या होता है, डोपिंग मतलब जो हमारी रिस्ट्रिक्टेड दवाएं हैं या ड्रग्स है उनको रोकने के लिए किसने एडीएल लॉन्च किया है, संयुक्त राष्ट्र एंटी डोपिंग, वर्ल्ड एंटी डोपिंग, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी या नेशनल एंटी डोपिंग हमारे देश ने लॉन्च किया हुआ है। यहां पर जनता बोली सर इसका सही जवाब अगर हम यहां पर देखना चाहें तो शारदा क्या होना चाहिए, तो यहां पर जो सही जवाब है अभिषेक का, ऋषि वाजपेयी का मानना है कि सर यहां पर सही जवाब चाहिए वर्ल्ड एंटी डोपिंग, और इन्होंने एंटी डोपिंग एजुकेशन लर्निंग प्लेटफॉर्म, क्योंकि बहुत सारे हमारे जो एथलीट होते हैं उनको पता ही नहीं होता है कि कौन सी रिस्ट्रिक्टेड दवा है, उसको सप्लीमेंट के तौर पर वो लेते रहते हैं, जब उनका टेस्ट होता है तो वो क्या हो जाते हैं, डोप टेस्ट फेल कर जाते हैं, लेकिन उन्होंने कोई ड्रग्स नहीं लिया, वो एक रिस्ट्रिक्टेड दवा को या सप्लीमेंट को लेते हैं जिसकी वजह से ऐसा होता है। तो उनको पता होना चाहिए कि भैया ये चीजें जो है वो हमको नहीं लेनी है, तो इसके लिए ये प्लेटफॉर्म को बनाया गया। खैर ज्यादा बातें नहीं करेंगे, 75 क्वेश्चन करने हैं। वाटर सोलेबल विटामिन कौन सा है, कैल्सिफेरॉल, टेकोफेरॉल, एस्कार्बिक एसिड, फोलोक्विनिन, भैया देखते हैं कितने लोगों को पता है वाटर सोलेबल। यहां पर जनता बोल रही है कि सर कीड़ा जो होता है, कीड़ा मतलब विटामिन के, विटामिन डी और विटामिन ए, ये फैट सोलेबल होते हैं, फैट मतलब वसा में घुलनशील होते हैं, और इसके अलावा जितने भी है मतलब बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी, ये हमारे कैसे होते हैं, ये हमारे वाटर सोलेबल होते हैं। तो भैया कैल्सिफेरॉल विटामिन डी को बोलते हैं, टोकोफेरॉल किसको बोलते हैं, विटामिन ई को बोलते हैं, एस्कार्बिक एसिड विटामिन सी को बोलते हैं, और फोलिक्विनिन विटामिन के को बोलते हैं। तो यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी, एस्कार्बिक एसिड, जितने लोग बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही है। तो भैया मैंने आपको पहले ही बोला है विटामिन से क्वेश्चन जरूर पूछा आता है, यहाँ पर देखिए कई सारे लोगों ने इसका सही जवाब दिया है, शायद बिल्कुल सही है तुम्हारा। तुर्की के दुर्जय S-400, अभी आप लोगों ने नाम सुना होगा, टर्की और फिलिस्तीन के बीच में काफी ज्यादा डिस्प्यूट चल रहा था, तो तुर्की के दुर्जय S-400 जो है वो उन्होंने किस देश से लिया हुआ है। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, अगर ये नहीं पता है तो उसके बाद से जो है वो आपको इंडिया के बारे में भी, ये इंडिया ने भी क्योंकि इसी देश से लिया हुआ है, रसिया से, जापान से, ऑस्ट्रेलिया से या फ्रांस से, चंदन क्या होना चाहिए इसका सही जवाब। तो न्याय बोले सर इसका जवाब उनको पता है और ये रसिया का है और हमने भी लिया है, ये हमारी कोई भी मिसाइल आ रही है उसको प्रोटेक्ट करने से, उससे हमको बचाने के लिए ये S-400 है जो रसिया बनाता है। दैट वाज अ बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी के बिल्कुल सही जवाब है तुम्हारा। अभी आपको बताना है कि इनमें से कौन सी बिल्डिंग जो है वो तुगलक काल में नहीं बनी, तुगलक काल में नहीं बनी हुई है, बहुत सोच समझ के जवाब देना है। जामा मस्जिद, तुगलकाबाद, फिरोज शाह कोटला मैदान या खिड़की मस्जिद। खिड़की मस्जिद है, फिरोज शाह कोटला है, तुगलकाबाद है या जामा मस्जिद है। तो गाइज ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट है जो हमको याद रखने हैं। तो जनता ने बोला सर जामा मस्जिद ये मुगल्स ने बनवाया था, मतलब शाहजहां ने बनवाया था, तो हम इनके ऊपर टिक कर देते हैं। सबसे बड़ी मस्जिद है हमारे पूरे हिंदुस्तान की, जो कि हमारे लिए बड़े प्राउडी मूवमेंट होता है। कैलोरीफिक वैल्यू का यूनिट क्या होता है, यूनिट ऑफ ऊष्मीय मान जो है कि इकाई क्या होगी, कैलोरीफिक वैल्यू की यूनिट आपके सामने ऑप्शंस लिखे हुए, मैं पढ़ूंगा नहीं, जल्दी से एक बार आप लोग देख करके बता दीजिए।
तो यहां पर जनता बोलिए सर सही जवाब होना चाहिए क्या? तो यहां पर विशाल का मानना है, अनूप का मानना है, मोहम्मद परवेज का मानना है कि सर अगर हम जितना कम फ्यूल का इस्तेमाल करें और वो जितनी ज्यादा एनर्जी दे तो हम लोग उसको बोलते हैं उसकी कैलोरीफिक वैल्यू उतनी अच्छी है। ऑप्शन नंबर 2 इज द एब्सोल्युटली राइट आंसर। आगे की तरफ चलते हैं। थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्टिनेंट डज द लार्जेस्ट रिवर इन द वर्ल्ड फ्लो? निम्नलिखित में से किस महाद्वीप के माध्यम से दुनिया की सबसे बड़ी नदी बहती है? एशिया, अफ्रीका, नॉर्थ अमेरिका या साउथ अमेरिका? तो यहां पर गुप्ता जी तेजस का मानना है सर दो नंबर होना चाहिए इसके पहले वाले क्वेश्चन का जवाब या इस वाले का। तो यहां पर बोले सर इस वाले का भी होना चाहिए दो नंबर। तो सबसे बड़ी नदी पूछा गया है, सबसे बड़ी नदी लंबी नहीं पूछा गया है। सबसे पहली चीज अगर लंबी पूछेगा तो अफ्रीका हो जाएगा नाइल रिवर, लेकिन सबसे बड़ी नदी जो है वो साउथ अमेरिका में बहती है जिसको अमेजन के नाम से जानते हैं। ये सबसे बड़ी है, एरिया वाइज सबसे बड़ी है। चलिए कोई बात नहीं, कहां पर गलती हो रही है समझ में आ रहा है ना? अभी आपको बताना है पलाना की खदानें जो है वो कहां पर है, लिग्नाइट किस लिए प्रसिद्ध है? पलाना की खाने लिग्नाइट कोयले के लिए, जिंक और लेड के लिए, नेचुरल ऑयल्स के लिए, या यहां पर जिप्सम आपको देखने को मिलता है? जनता को क्या लग रहा है? यहां पर जनता को लग रहा है कि सर इसका जो सही जवाब होना चाहिए जहां पर हमारी पलाना की खाने हैं जो कि हमारी फेमस किस लिए है, तो जनता बोल रही है बिल्कुल लिग्नाइट कोयले के लिए। तो सबसे पहले अगर हम लोग देखेंगे तो ये हमारे राजस्थान के बाड़मेर जिले के पास आपको देखने को मिलेगी, है ना, पलाना की खाले, और ये लिग्नाइट कोल के लिए फेमस है। तो कोल जो है वो हमारे कितने प्रकार के होते हैं? चार तरीके के होते हैं, पीट, विटामिनस, लिग्नाइट एंड सबसे अच्छा एंथ्रेसाइट, और उसमें लिग्नाइट कोयले पलाने की खाने में मिलती है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं। आगे आपको बताना है द प्रिंसिपल ऑफ किंगशिप, किंगशिप राजाओं का जो सिद्धांत है वो किसने दिया था? रजिया बेगम, अलाल बलाल बलबन या हमारे इल्तुतमिश ने? क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब? तो गाइस माइंस के बारे में आपको थोड़ी सी नॉलेज लेनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर गलत जवाब दिया हुआ है, उनके नाम नहीं लेना चाहूंगा, लेकिन माइंस जो आपकी कमजोर कड़ी है उसको विशिष्ट बनाइए तभी आप सिलेक्शन के पास पहुंचेंगे। तो यहां पर जनता बोले सर बलबन की तरफ जाएंगे, राजा की जो हमारी किंगशिप है उसमें दैवी ताकत होती है और आपको उसको झुक करके सलाम करना चाहिए, ये बलबन ने बोला था सिजदा और पैबोस ला करके। आगे कब चलते हैं। Which of the following is not type of grassland? कल हम लोगों ने grassland के बारे में बात की हुई थी, इनमें से कौन सा grassland नहीं है? प्रेई, पेंडोरास, स्टेपीज या हमारा सवाना? क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब? तो यहां पर जनता को लग रहा है कि सर अगर यहां पर हम grassland की बात करें तो हमारे प्रेरी को भी हमने सुना हुआ है ना, हमने जो है स्टेपीज को भी सुना हुआ है, हमने सवाना को भी सुना हुआ है। तो हमारे जो प्रेरीज होते हैं ये कहां पर होते हैं? तो हमने प्रेरीज को देखा है कि ये हमारे अमेरिका में होते हैं, स्टेपीज को हमने देखा है कि रसिया वाले पार्ट में होते हैं, सवाना अफ्रीका में होते हैं, बट पंडोरा जो है ये नहीं है। तो पंडोरा की तरफ जाते मतलब ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। जितने लोग पंडोरा बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, हिंदी में थोड़ा सा इसको प्रेरी लिखना चाहिए यहां पर ये इस तरीके से, तो कुछ लोग इसको लेकर के कंफ्यूज हो सकते हैं। यहाँ पर पंडोरा जितने लोग बोल रहे हैं उनका एकदम सही जवाब है। आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्री इज लोकेटेड इन विच, बोल सकते हैं कि कंटिनेंट, हमारा जो इंडियन रिसर्च स्टेशन मैत्री ये कहाँ पर है? ऑस्ट्रेलिया में है, अंटार्कटिका में है, यूरोप में है या एशिया में आपको देखने को मिलेगा? यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए, हमारा जो मैत्री है ये हमको कहां पर देखने को मिलेगा? जनता जल्दी से जवाब दो भाई, इतना लेट नहीं, आपको जो लग रहा है फटाफट से बोल दो। तो ये हमारा जो अंटार्कटिक है ये हमारे दक्षिण गंगोत्री स्टेशन के नाम से भी जाना जाता है जो कि हमारे कहां पर है, हमने इसको अंटार्कटिका में बना रखा है। तो अंटार्कटिका जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, है ना, काफी बार इसका डिस्कशन भी हो चुका है। आगे की तरफ चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है। ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, अब मैंने मरुस्थल की बात किया है, ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट जो है वो कहां पर है? ऑस्ट्रेलिया, एशिया, यूरोप या हमारा बोल सकते हैं कि नॉर्थ अमेरिका? तो भैया देखिए ग्रेट विक्टोरिया लेक पूछेगा तो आपको अलग कंटिनेंट में है, डिजर्ट पूछेगा तो अलग कंटिनेंट पे है, तो यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जनता बोले सर यहां पर अगर हम ऑस्ट्रेलिया के साथ जाएंगे तो बिल्कुल सही अंक मिलेगा, लेकिन यहां पर अगर लेक लिखा रहता मतलब झील तो आप अफ्रीका की तरफ चले जाते तो आपको अंक आसानी से हासिल हो जाता, तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया।
यहां पर एक क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज वर्चुअली होस्टेड था 15th G20 समिट इन नवंबर 2020। 15वें G20 समिट का आयोजन कहां पर किया गया जो कि वर्चुअल हुई थी, इंडिया में, जापान में, सऊदी अरबिया में या फ्रांस में? ठीक है, यहां पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए क्या? यहां पर जनता बोल रही है सर ये जो 15वां हमारा नवंबर में हुआ था इसका G20 समिट, इसका जो बोल सकते हैं वर्चुअल ऑर्गेनाइज किसने कराई थी? जवाब नहीं आता तुम लोगों का, तो सऊदी अरबिया, निसी ने सबसे पहले जवाब दिया है, तो निसी कुमारी का जवाब बिल्कुल सही है, सऊदी अरबिया में आया। उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने, आजाद ने जवाब दिया है, आरजे, तो बहुत सारे लोग सऊदी अरबिया बोले, बिल्कुल उनका सही है। अब यहाँ पर एक और क्वेश्चन आता है जो मैंने आप लोगों को कराया था, देखते हैं कितने लोगों को याद है। करजास की खदान जो कि सबसे बड़ी हमारी आयरन ओर मतलब लौह अयस्क की खदान है, कौन से देश में? ब्राजील, अमेरिका, चाइना या ऑस्ट्रेलिया? करजास की जो हमारी खदानें हैं ये कहां पर देखने को मिलेगी? जनता जवाब बताइए फटाफट से, आगे की तरफ बढ़ते चलते हैं। 33 नंबर का क्वेश्चन है, अभी हमारे पास जो है वो आधे घंटे का समय है और हमको कई सारे क्वेश्चंस करने हैं। तो जनता बोलेगी सर इसका जिक्र आपने किया था और आपने हमको बताया था कि हमारा जो सबसे बड़ी खदान है वो हमारे ब्राजील में देखने को मिलेगी और यहीं पर हमारे जो है वो कॉफी का भी सबसे ज्यादा उत्पादन होता है। विश्व का सबसे बड़ा बंदरगाह, सी पोर्ट, सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? संघाई है, कोलकाता है, टोकियो है, या आपको अगर कोई लग रहा है तो वो भी बता सकते हो। लार्जेस्ट पोर्ट ऑफ वर्ल्ड इज टोकियो, संघाई, कोलकाता या नन ऑफ दीज? तो जनता बोलेगी सर देखिए अगर हम लोग देखेंगे तो हमारे जो यांगसी रिवर है, यांगसी रिवर आपने बोला था कि सर एशिया की सबसे बड़ी रिवर है, तो यांगसी रिवर जाकर के जहां पर एयरचुरी बनाती है वहां पर पूरे वर्ल्ड का सबसे बड़ा बंदरगाह बनाया गया जो कि हमारा संघाई में है। कहां पर गए? संघाई में है, तो यांगसी रिवर के मुहाने पर बना हुआ है। दैट वाज द राइट आंसर, संघाई, टोक्यो नहीं बोलना है। आगे की तरफ चलते हैं। द प्रोजेक्ट इनसाइट इज रिलेटेड टू विच ऑफ फॉलोइंग प्लैनेट? इनसाइट जो है वो कौन से प्लैनेट का हमारा बोल सकते हैं प्रोजेक्ट है? शुक्र का है, बृहस्पति का है, मंगल का है या शनि का है? क्या होना चाहिए गाइस सही जवाब? इनसाइट प्रोजेक्ट की बात कर रहे हैं, जनता क्या इसका जवाब नहीं जानती है? क्या हमने इसके बारे में पता नहीं किया? तो 35 नंबर क्वेश्चन का जो सही जवाब है, यहां पर हमारी नासा का ये प्रोजेक्ट है जो कि किसके लिए चलाएगा गाइस? चलिए यहां पर सही जवाब होना चाहिए हमारे मार्स, मंगल की तरफ है। ठीक है, मार्स इज द राइट आंसर, ये नासा का प्रोजेक्ट था, वीनस नहीं होना चाहिए भाई, नासा का मार्स प्रोजेक्ट। अभी आपको बताना है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज लॉन्च वर्ल्ड फर्स्ट कॉमर्शियल बूस्टर पावर्ड बाय द बायो फ्यूल इन जनवरी 2021। निम्नलिखित में से किसको जैव ईंधन, जैव ईंधन का मतलब होता है जिसको बार बार जो है वो बनाया जा सकता है, जो पहला वाणिज्य बूस्टर है? दैट वॉज द ब्लू स्विफ्ट एरोस्पेस, बोइंग, लॉकहीड मार्टिन या जनरल इलेक्ट्रॉनिक्स? किसने बनाया है बूस्टर? जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए, यहां पर जितने लोग बोल रहे हैं कि सर ब्लू स्विफ्ट स्पेस ने सबसे पहला ये ईंधन बनाया हुआ है जो कि बूस्टर का काम करता है, जितने लोग इसका जवाब दे रहे हैं ए नंबर वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ब्लू स्विफ्ट एरोस्पेस। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जनवरी 2021 का करंट अफेयर्स। जो बाइडेन जो है वो कौन से नंबर के राष्ट्रपति बने हमारे अमेरिका के? 42, 45, 48 या 46? या नंबरिंग भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जनता बोले सर इजी क्वेश्चन है, अगर हम लोग देखेंगे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक के हमारे जो बाइडेन 46 नंबर के राष्ट्रपति बने हुए हैं, 4 नंबर बिल्कुल सही है, विश्वजीत एकदम सही है मंडल जी। अभी आपको बताना है डोम्सटे ग्लेशियर रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन, अभी हमने हाल में डोम्सटे ग्लेशियर का नाम सुना था, पढ़ा था, ये कहां से संबंधित है? आर्कटिक, अंटार्कटिक, हिमालयन रीजन या आपको कुछ और लग रहा है वो भी आप यहां पर टिक कर सकते हैं। मोहम्मद सदीक का मानना क्या है? जनता बोले सर अगर हम लोग डूम्सडे ग्लेशियर की बात करें तो ये हमारे अभी हाल में सुनने को आया, ये काफी ज्यादा सबसे चौड़ा एक तरीके से ग्लेशियर है और ये बहुत तेजी से पिघल रहा है, इसका जो मेल्टिंग है वो बहुत तेजी से हो रहा है और ये एक अपने आप में बहुत बड़े नेचुरल डिजास्टर को बुलावा दे रहा है जो हमारे अंटार्कटिक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये बहुत तेजी से पिघल रहा है और ये हम सभी के लिए बहुत बड़ी चिंता की बात है। तो अंटार्कटिका जितने लोग बोल रहे हैं वहां पर हमने इसके बारे में पढ़ा था कि बहुत तेजी से पिघल रहा है और ये काफी चौड़ा है, लगभग 120 किलोमीटर तक चौड़ा ये ग्लेशियर है।
इंडोनेशिया के बाद ताड़ का तेल विश्व में दूसरे नंबर पे सबसे ज्यादा कहां पर होता है? पाम ऑयल आफ्टर इंडोनेशिया प्रोड्यूस्ड बाय विच कंट्री? इंडिया में, मलेशिया में, सिंगापुर में या चाइना में? ताड़ का जो तेल है, पाम ऑयल जिसको बोलते हैं, और बिहार में बोलते हैं ताड़ी, कौन सा जो है ये देश सबसे ज्यादा दूसरे नंबर पे आता है? तो गाइस इंडोनेशिया का भाई है मलेशिया, तो इंडोनेशिया के बाद मलेशिया आता है, वहां पे सबसे ज्यादा तेल होते हैं, पाम ऑयल होते हैं, तो ये बड़ा कंफ्यूजिंग है दोनों कंट्री। तो इंडोनेशिया की कैपिटल है जाकर्ता, जाकर्ता, और मलेशिया की कैपिटल है हमारी कुआलालंपुर, याद रखिएगा। आगे की तरफ आपको लेकर के चलते, हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू कितना होता है? ब्लड का पीएच वैल्यू 7.4 है, 7.8 है, 6.9 है या 6.3 है? तो जनता बोले सर अगर हम लोग अपने ब्लड के पीएच वैल्यू की बात करें तो हमारे ब्लड का पीएच वैल्यू होता है दैट वाज 7.4। एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर, 7.4 जितने लोग बोल रहे हैं उनका बिल्कुल सही जवाब है। पीएच वैल्यू से प्रश्न पूछा जाता है, 7 से कम है तो एसिड है, अगर 7 से ज्यादा है तो हम लोग उसको बेस बोल देते हैं। जलीकट्टू जो है ये किस राज्य का पारंपरिक खेल है? तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक? जलीकट्टू अभी हम लोगों ने देखा था, कंबाला पूछा गया था सीएचएसएल एसएससी का जो एग्जाम हुआ था, ठीक है, कर्नाटक हम लोगों ने टिक किया था, जलीकट्टू भी जिसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाई हुई थी, सांड युद्ध होता है इसमें, बुल फाइटिंग होती है, ये हमारे पोंगल के दौरान किया जाता है तमिलनाडु में, तो दैट वाज द राइट आंसर इज तमिलनाडु। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, ए ए, मतलब दोनों क्वेश्चन का ए ए जवाब सही है। आपको बताना है इनमें से किस शहर को हम लोग कोरिंडर सिटी के नाम से जानते हैं, धनिये का शहर, कोटा, जोधपुर, गुना या भोपाल? ठीक है, इसमें से दो सिटी राजस्थान के और दो सिटी मध्य प्रदेश के हैं। आपको बताना है कि कौन सा जो शहर है धनिया कोरिंडर के सिटी के नाम से फेमस है। गाइस चंबल नदी के किनारे सबसे ज्यादा कोरिएंडर होता है और इसको हम लोग कोरिएंडर सिटी बोलते हैं, ठीक है। और अगर कोई इंजीनियरिंग करने के लिए, तैयारी करने के लिए जाता था तो पहले यही जाता था, दैट वाज अ कोटा। कितने लोग बोल रहे हैं चंबल नदी के किनारे, वो बिल्कुल सही जवाब दे रहे। आगे की तरफ चलते, आपको बताना है औरंगजेब बेस्टोड अपॉन द साहिबाद उज जमानी, किसने दी थी उनको साहिबाद उज जमानी की उपाधि? दैट वॉज द साइस्ता खान, आमिन खान, जहान खान या रोशन आरा? तो भाई औरंगजेब जिसने सबसे ज्यादा ब्रिटिश साम्राज्य को फ्लोरिश किया था पूरे इंडिया में, दक्षिण भारत तक जीत लेकर के गया था, उनको हम लोग बोलते हैं, बोल सकते हैं कि आलमगीर की उपाधि भी इनको दी गई थी। तो जहान आरा ने औरंगजेब को साहिबुद्दुल जमानी की उपाधि दी थी, ठीक है। तो ये इनके बेटे थे जहान आरा, और मरणोपरांत ये उपाधि उन्होंने अपने पिताजी को दी थी, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो ये बेटी थी मतलब इनकी, आपको बताना अजय वारियर 2020 में, दैट वाज द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री? अजय वारियर जो है ये किसके बीच में एक्सरसाइज होती है? थाईलैंड के बीच में, कोरिया के बीच में, यूके के बीच में या यूएसए के बीच में? और याद रखिएगा डिफेंस से क्वेश्चन जरूर पूछता है जहान आरा। तो अजय वारियर की अगर हम लोग बात करेंगे तो दैट वाज द, ये हमारी एक्सरसाइज होती है, हम लोगों ने जाकर के, हमारी आर्मी गई थी कहां पर, यूके में गई थी, और वहां पर इनके साथ हम लोगों ने ये युद्धाभ्यास किया था। अजय वारियर का ये फिफ्थ संस्करण था जो हुआ था, तो दैट वाज द तीन नंबर इज राइट आंसर। जितने लोग तीन नंबर बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, यूके इज राइट आंसर। स्विस टेस्ट सुगर इज, सबसे मीठू मीठू सी सुगर कौन सी होती है? सुक्रोज होती है, ग्लूकोज होती है, फ्रेक्टोज होती है या लैक्टोज होती है? सबसे मीठी सुगर कौन सी है? जनता क्या लग रहा है? जनता बोले सर इसका सही जवाब होना चाहिए, दैट वाज द सबसे मीठी जो सुगर होती है वो फ्रेक्टोज होती है, जो कि हमारे पौधों से मिलती है। तो फ्रेक्टोज इज द स्वीटेस्ट सुगर, जो कि गन्ने में आपको मिलेगी, ठीक है। अब उसके बाद से इसमें ग्लूकोज को मिला दिया जाता है, ग्लूकोज एंड फ्रेक्टोज ये दोनों मिलकर के हमारी बनाती है सुक्रोज, जिसको हम लोग टेबल सुगर बोलते हैं, दैट वाज द राइट आंसर। तो ये हमारे फ्रेक्टोज जितने लोग बोल रहे हैं वो सबसे सही जवाब दे रहे हैं, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा आता है। सुक्रोज को हम लोग टेबल सुगर बोलते हैं, जो ग्लूकोज और फ्रेक्टोज दोनों को मिला करके बनता है C6O12O6, ये दोनों का फॉर्मूला होता है। ग्लूकोज में एल्डिहाइड ग्रुप होता है और हमारे जो फ्रेक्टोज होता है इसमें कीटोन ग्रुप होता है, और जब ये दोनों आपस में कंबाइंड हो जाते हैं तो सुक्रोज बनता है, याद रखिएगा, जिसको टेबल सुगर बोलते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट जो है ये किस साल भारत में आया था?
वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात कर रहे हैं, हिंदुस्तान में कब इसको लेकर के आया गया था। 46 का सही जवाब क्या होना चाहिए? तो जनता बोल रही है कि जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है वो हिंदुस्तान में हमारे राज विद्रोह, मतलब जो भी चीजें हमारे गवर्नमेंट के विरुद्ध लिखी जाती थी उसको दबाने के लिए ये एक्ट को लेकर के आया गया था। तो जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं, लॉर्ड लिटन इसको लेकर के आए थे और ये 1878 में आया था। तो जितने लोग यहां पर बोल रहे हैं 1878 लॉर्ड लिटन लेकर के आए थे, तो बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। तो भैया गवर्नर जनरल के ऊपर प्रश्न बहुत सारे पूछे जाते हैं। आपको बताना है विच टू वेस्ट एशियन कंट्रीज एस्टेब्लिश फॉर्मल रिलेशनशिप विद इजराइल, इजराइल के साथ कौन से दो पश्चिमी देशों ने औपचारिक संबंध जो है बनाए स्थापित किए, यूएई कुवैत, यूएई सऊदी अरब, यूएई सूडान या यूएई बहरीन, क्या होना चाहिए? एक तो कॉमन हो गया यूएई, अब यूएई के साथ कौन होंगे? अभी आप लोगों ने देखा था कि इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद चला और उसमें बहुत सारे कंट्रीज जो थे वो हमारे गल्फ कंट्रीज खास तौर पे वो इजराइल से दूरी बना लिए। तो यहां पर हमारे बहरीन जो था वो यूएई के साथ अपने औपचारिक संबंध जो है वो स्थापित कर रहा था। तो दैट वाज द राइट आंसर, यूएई और बहरीन, जो कि हमको याद रखना पड़ेगा, कुवैत नहीं। रिसेंटली द न्यू स्पीसीज ऑफ अफ्रीकन वॉलेट फ्लावर फाउंड इन विच स्टेट, हमारे अफ्रीकन वॉलेट फ्लावर की नई प्रजाति कहां पर देखी गई, केरल में, मिजोरम में, उड़ीसा में या पंजाब में? जल्दी बताइए क्या होना चाहिए। अफ्रीकी वॉलेट फ्लावर की प्रजाति जो कि एक बहुत ही अपने आप में रेयर बोल सकते प्रजाति है। तो गाइज यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर जितने लोग बोलेंगे यहां की कैपिटल मिजोरम है ना, और यहां के जो मुख्यमंत्री उनका नाम है जोरान थंगमा, लोकसभा और राज्यसभा में एक एक सीट होती है जिसको हम लोग मिजोरम के नाम से जानते हैं। जोरांग थंगमा यहाँ के क्या है, हमारे सीएम साहब है जोरांग थंगमा, आइजोल यहाँ की कैपिटल है। विच बिकम द फर्स्ट स्टेट टू पास रेजोल्यूशन अगेंस्ट द सिटीजनशिप लॉ, हमारे पूरे देश में कौन सा ऐसा राज्य है जिसने नागरिकता कानून के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित कर दिया, बिहार, केरल, गुजरात या पंजाब, क्या होना चाहिए? सी ए के खिलाफ इन्होंने क्या कर दिया है, हमारा एक अधिनियम पास कर दिया। यहां पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए, दैट वाज द, बिल्कुल जल्दी बताओ फटाफट से। जनता बोल रही है सर इसका सही जवाब होना चाहिए केरल, जितने लोग केरल बोल रहे हैं द स्टेट ऑफ गॉड, बिल्कुल सही जवाब है, साक्षरता दर सबसे ज्यादा होती है केरल, बिल्कुल सही जवाब है। आगे की तरफ चलते हैं, द लार्जेस्ट ग्लेशियर आर विच ऑफ द फॉलोइंग, सबसे बड़ा जो ग्लेशियर है वो कौन सा है, That was the mountain glacier, alpine glacier, continental glacier या हमारा पियोडोमेंट glacier, तो क्या होना चाहिए सही जवाब? Glacier जो वो बर्फ की नदियां होती हैं, जम जाती है जहां पर नदियों में पानी, उसको हम लोग बोलते हैं। और सबसे बड़े जो glacier होते हैं वो कौन से होते हैं? तो गाइस यहाँ पर लोगों को माउंटेन ग्लेशियर लग रहा हो ये पता है, लेकिन यहाँ पर जो सही जवाब है वो है हमारा कंटिनेंटल ग्लेशियर, दैट वॉज राइट आंसर। जैसे कि ग्रीनलैंड और अंटार्कटिका, यहां पर सबसे ज्यादा ग्लेशियर है, सबसे बड़े ग्लेशियर है, और अंटार्कटिका एक क्या है, हमारा एक कंटिनेंट है। यहां पर हम लोग कंटिनेंटल ग्लेशियर की तरफ जाएंगे, अंक मिल जाएगा, ठीक है? तो अंटार्कटिका सबसे बड़ा, भी आप लोगों ने बात ही की थी, और वो एक हमारा एक नया कंटिनेंट है। कुलिक वर्ल्ड सेंचुरी कहां पर है, कुलिक पक्षी अभयारण्य कहां पर देखने को मिलेगा, दैट वॉज इन वेस्ट बंगाल, यूपी में है, केरल में है या एमपी में है? जनता क्या बोल रही है, यहां पर हम सभी जनता से जवाब जानना चाहिए। तो ये 51 नंबर का क्वेश्चन है, 25 क्वेश्चन बचे हुए हैं और 15 मिनट है, तो हम लोगों को जल्दी जल्दी थोड़ा सा करना पड़ेगा। तो भैया रायगंज को ही हम लोग कुलिक पक्षी अभयारण्य बोलते हैं, जो दिनाजपुर जिले में आपको देखने को मिलेगा, और दिनाजपुर जिला कहां पर है, तो वेस्ट बंगाल में है ना, विक्टोरिया मंडल, यहां पे सही जवाब हो जाएगा, दैट वॉज द राइट आंसर, वेस्ट बंगाल है ना, ममता बनर्जी जी का क्षेत्र। यहां पर एक और क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, माराकाइबो जो लेक है, माराकाइबो लेक, ये कौन से आपके कंट्री में पड़ेगी? सर ने बताया था सर यहाँ से बोल सकते हैं कि क्रूड ऑयल निकलता है, ऐसा कुछ आपने पढ़ाया था हमको, आपने बताया था ये कौन से देश में, आज आप पूछ रहे हैं तो हम नहीं बताएंगे क्या? हमारा ये कर्तव्य है कि आपको बताना, क्योंकि माराकाइबो लेक ये हमारी एक ऐसी झील है जिससे हमारा पेट्रोलियम निकलता है। तो यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए क्या? तो मैं इंतजार कर रहा हूँ कि यहाँ पे आप लोगों के सही जवाब का। चलिए, तो यहां पर जनता ने जवाब देना शुरू किया है,
ए नंबर, एक नंबर, एक नंबर, पराग्वे भी जवाब, और अर्चना यहाँ पे सही जवाब है वेनेजुला। वेनेजुला हमने बताया हुआ था, वेनेजुला जितने लोग बोलेंगे उनका एब्सोल्युटली राइट है, चाहे वो प्रशांत हो, चाहे वो सीके हो, तमंग हो, मोहम्मद सद्दीक हो, बिल्कुल सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ यूरोप, यूरोप की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दैट वॉज द मेकांग, जाम्बेजी नदी, सिपिक नदी या वोल्गा नदी, क्या होना चाहिए? बहुत बढ़िया स्माइली सिंह, स्माइली सिंह क्वेश्चन कराने के बाद गलत नहीं होना चाहिए। तो भैया हम सभी को पता है सबसे बड़ी नदी हमारी यूरोप की है वोल्गा नदी, जो कि हमारे मध्य यूरोप से निकल करके कैस्पियन सागर तक जाती है। तो यहाँ पर जितने लोग बोल रहे हैं वोल्गा, बिल्कुल सही है, ये हमारे लगभग 3513 किलोमीटर तक बहती है। दैट वाज द राइट आंसर, वोल्गा। चार नंबर बिल्कुल सही है। आगे की तरफ चलते हैं, आपको बताना है कि चार नंबर सही है। आगे की तरफ चलते हैं, आपको बताना है विट्सन रीफ रिसेंटली इन न्यूज लोकेटेड इन विच सी, विट्सन जो हमारे सहवाल की भित्ती है कहां पर देखने को मिलेगी? दक्षिणी चीन में, डेड सी में, अरेबियन सी में या रेड सी में? विट्सन रीफ कहां पर जाएगी, जनता क्या बोलेगी? सृष्टि मिश्रा का मानना है कि सर यहां पर जो सही जवाब है वो होना चाहिए, बताओ भाई जल्दी से। यहां पर जनता बोले सर जिसके ऊपर चाइना अपना कब्जा करके बैठा हुआ है, तो फिलीपींस सरकार ने दावा किया है कि ये उसके अधिकार क्षेत्र में आता है, और यहां पर वो चाइना बोल रहा है नहीं उसके अधिकार क्षेत्र में आ रहा है। तो ये काफी डिस्प्यूट हो गया मामला, और ये हमारे जब यूएन के पास मामला गया और पेंडिंग में है, तो साउथ चाइना सी इज राइट आंसर, दैट वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। आगे की तरफ चलते हैं, विटामिन बी सेवन का वैज्ञानिक नाम क्या है? दैट वॉज अ पेंटोथॉमिक एसिड, बायोटिन, स्कार्बिक एसिड या फॉलिक एसिड, जनता क्या जवाब होना चाहिए? विटामिन बी सेवन का केमिकल नेम क्या है? चलिए तो यहां पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए विटामिन बी सेवन का जो हमारा वैज्ञानिक नेम है वो हमारा बायोटिन है, क्या होना चाहिए? बायोटिन, ठीक है। चलिए स्कार्बिक एसिड आप सभी लोगों को पता है कि हमारे किसका, तो स्कार्बिक एसिड विटामिन सी का वैज्ञानिक नाम होता है। फॉलिक एसिड जिसकी कमी से आपको रक्त अल्पता या एनीमिया हो जाता है, ये हमारे विटामिन बी नाइन का नाम है, विटामिन बी नाइन का नाम फॉलिक एसिड भी होता है, ठीक है। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आगे हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, आगे हमको बताना है अप्रैल 2021 में दक्षिण अफ्रीका के कौन से नेशनल पार्क में आग लग गई थी? विच नेशनल पार्क इज आउट ऑफ कंट्रोल फायर इन साउथ अफ्रीका? नाम का आंडो, कारू या टेबल माउंटेन, जनता जल्दी से जवाब देते चले जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ। भैया मैंने आपको बोला कि जिस भी में जीए लिखा हो, जीए जिसमें भी लिखा हो जिस एग्जाम में, वो में पूछा जाएगा यहां से प्रश्न। अमरजीत का मानना है सर यहां पे सही जवाब होना चाहिए टेबल माउंटेन नेशनल पार्क, जिसमें अभी अप्रैल 2021 में आग लगी थी, जैसा कि यहां पर सीके ने जवाब दिया, और यहां पे जो है वो कंट्रोल नहीं हुई, और ये न्यूज में आई और यहां पर आपके एग्जाम में भी देखने को मिल सकती है, बहुत बढ़िया। आगे तक चलते हैं, व्हाट वाज द थीम ऑफ इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस हेल्ड इन दिल्ली? सबसे पहले तो इंटरनेशनल जुडिशियल कॉन्फ्रेंस कहां पर हुई, तो दिल्ली में आपको टिक करना है, इसका थीम क्या था यहां पर पूछा गया? जुडिशरी एंड क्लाइमिंग चेंजिंग द वर्ल्ड, यूनिटी वर्ल्ड वॉर एंड चिल्ड्रन थ्रू द एनफोर्समेंट वर्ल्ड लॉ, इफेक्टिव ग्लोबल गवर्नेंस, इफ यू वॉन्ट पीस एंड डेवलपमेंट, वर्क फॉर द सोशल जस्टिस, डिजिटल जुडिशरी एंड वर्ल्ड। क्या लग रहा है आजकल की जुडिशरी की डिमांड क्या होनी चाहिए? गाइस यहां पे जो सही जवाब है दैट वाज द जुडिशरी एंड द चेंजिंग वर्ल्ड, दैट वाज द राइट आंसर। जितने लोग एक नंबर बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है ना, मेरे को लग रहा था ये चार नंबर होना चाहिए, डिजिटल एंड जुडिशरी वर्ल्ड, क्योंकि आजकल यही है कि भैया इसको भी जो है वर्चुअल कर दिया जाए, घर पे बैठे बैठे जो है अपराधी अपने बारे में सुने कि आज से आपको अपने बेडरूम में 2 साल के लिए कैद किया जाता है। Which of the following is the popular dance form of Lakshadweep? Lakshadweep का कौन सा famous dance form है? कथक, कुचिपुड़ी, कोली या कोलकली? लक्षद्वीप कवतरी जिसकी यहाँ की कैपिटल है और काफी ज्यादा चर्चा में अभी रह रहा है, तो वहां के आपको बताना है कि कौन सा हमारा फोक डांस फेमस है। चलिए तो गाइस अगर हम यहाँ पर बात करें तो हमारा लक्षद्वीप जिसका हाई कोर्ट जो है वो केरल में पड़ेगा, कावतरी जहां की कैपिटल है, और यहाँ पे कोलकली फोक डांस होता है, कथक यूपी में होता है, कुचिपुड़ी हमने देखा है कि यह हमारा आंध्र प्रदेश में होता है, ठीक है, तो यहाँ पे सही जवाब है कोलकली। आगे तब चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज अ टेलीमेट्री? इनमें से किसका इस्तेमाल हम लोग टेलीमेट्री में करते हैं? माइक्रोवेव्स का, अल्ट्रावायलेट स्पेक्ट्रम का, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का या विजुअल स्पेक्ट्रम का?
क्या होना चाहिए गाइज यहाँ पे सही उत्तर। और यहाँ पर हम लोग 60 नंबर वाले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चुके हैं, 15 क्वेश्चन बचे हैं, थोड़ा सा अभी फास्ट चलेंगे हम लोग। तो गाइज यहाँ पर अगर हम लोग टेलीमेट्री की बात करें कि जिससे हम लोग दूसरे जगह पर दूर जगह पर जाकर के डाटा को ट्रांसमिट करते हैं, उसके लिए हम लोग इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम इज द राइट आंसर। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। ठीक है, आपको बताना है अल्पाइन फोरलैंड लोकेटेड इन, अल्पाइन फोरलैंड कहां पर देखने को मिलेगा, दैट वाज इन इटली, स्पेन, फ्रांस या जर्मनी। देखते हैं कितने लोगों का इसका जवाब एक्यूरेटली पता है, सही से पता है। यहां पर जनता बोल रही है सर अल्पाइन फोरलैंड जो है ये वहां पर है जहां की कैपिटल बर्लिन है और एंजेला मार्कोल यहां की चांसलर है। यहां पर जो सही जवाब होना चाहिए दैट वॉज द जर्मनी। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। आगे तब चलते हैं, जर्मनी इज द एब्सोल्युटली करेक्ट आंसर। आईएफ राफेल जो है, राफेल ये किस तरीके का हमारा एयरक्राफ्ट है, इलेक्ट्रॉनिक है, दैट वॉज द सैनिक परीक्षण है, मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है या अटैकिंग एयरक्राफ्ट है। तो इसको हमारे डसाल्ट जो कंपनी है फ्रांस की, उसने बनाया है और हमने इसको खरीदा अम्बाला कैंट में, ये आया। अब इसके ऊपर हमारी ट्रेनिंग चल रही है भैया, ये बहुत कुछ करता है, मतलब मल्टी रोल है, फाइटिंग भी, फाइटर भी जेट की तरह काम करता है, कैरियर भी आप इसको बना सकते हो क्योंकि काफी सारा इसके अंदर लोड है। तो ये एक मल्टी रोल फाइटर एयरक्राफ्ट है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, आपके सामने लिखा हुआ है, बेकिंग सोडा बताना है, जल्दी से पिक कर लो, देखते हैं जल्दी जल्दी में कौन पिक सही करता है। यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए NaHCO3। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, बेकिंग सोडा इज राइट आंसर, NaHCO3। इसको खाने का सोडा बोलते हैं, Na2CO3 को हम लोग धावन सोडा या वॉशिंग सोडा के नाम से जानते हैं। आगे का चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, CNG में मेथेन कितना पाया जाता है। ठीक है, मैंने आपको बताया कंप्रेस्ड नेचुरल गैस है, पाइप्ड नेचुरल गैस है या हमारी नॉर्मल नेचुरल गैस है, उसमें CNG कितना होगा। यहां पर जनता बोली सर सही जवाब होना चाहिए 70-90% मेथेन होती है, मेन कंपोनेंट ऑफ नेचुरल गैस इज द CNG का मेथेन है। आगे का चलते हैं, सिग्नेरी की खाने कहां पर है, दैट वाज उड़ीसा, तेलंगाना, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़। क्वेश्चन कराया हुआ है, अभी आपको यहां पर जवाब देना है सिग्नेरी की खाने कहां पर देखने को मिलेंगी। जनता बोले सर सिग्नेरी की खाने जो है ये आपको देखने को मिलेंगी कहां पर, सर आपने बताया था कि गोदावरी की घाटी में यहां पर कोयला निकाला जाता है और ये हमको तेलंगाना में देखने को मिलेंगी। जितने लोग तेलंगाना बोल रहे हैं बिल्कुल सही है और क्वेश्चन कराया हुआ था। अभी आपको बताना है, रिसेंटली इसरो ज्वाइंट हैंड विद द होम टू गिव कंपटीशन टू गूगल मैप, गूगल मैप को कंपीट करने के लिए इसरो ने किसके साथ जो है वो हाथ मिलाया, एक्यूरेट मैप्स, माई मैप इंडिया, मैप माई इंडिया, जियो सर्वे या ग्रिड लाइन सर्वे। यहाँ पर जनता बोली है सर गूगल मैप्स के साथ हमने किसके साथ हाथ मिलाया, यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए मैप माई इंडिया। जितने लोग बोल रहे हैं बिल्कुल सही है, इसरो ने इसके साथ जो है गूगल मैप्स को टक्कर देने के लिए एक नेविगेशन बनाया हुआ है। 1851 में पारसिक धार्मिक सुधार जो है की स्थापना किसने की थी, पारसिक धार्मिक सुधार संस्था किसने चलाई, दादा भाई नौरोजी, दैट वॉज द फरदुन जी नौरोजी, SN बेंगोली या बोथ 2 and 3, पारसिक रिलीजियस रिफॉर्म एसोसिएशन 1851। यहां पर सही जवाब क्या होना चाहिए, सही जवाब जल्दी से, यहां पर जनता बोलिए सर बोथ 2 and 3, तो फुरदुन जी नौरोजी एंड SN बेंगोली, इन दोनों ने इसको रिफॉर्म किया हुआ था। यहां पर इन दोनों के ऊपर टिक करेंगे, दादा भाई नौरोजी ग्रैंड एंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, ब्रिटिश पार्लियामेंट में गए थे और इन्होंने सबसे पहले नेशनल इनकम काउंट करने की कोशिश की बाय द ड्रेन सिस्टम। In September 2020, who become the won the Tuscan Grand Prix that held in Mugello? Mugello में हुई Tuscan Grand Prix किसने जीती है? Lewis Hamilton, Valtteri Bottas, Alex Albon या Ricciardo ने जीती हुई है? तो guys यहाँ पर याद रखना है कि ये जो Grand Prix होती है F1 race से related है और यहाँ पर Lewis Hamilton ने इसको जीता हुआ है। लुइस हैमिल्टन सबसे ज्यादा ग्रैंड पिक्स जो है वो जीत करके माइकल सुमाकर का रिकॉर्ड तोड़ चुके हैं पिछले साल। याद रखना है ये यूनाइटेड किंगडम से आते हैं और ये फेरारी F1 रेसर है, फेरारी कार को चलाते हैं, ये भी हमको याद रखना है।
द शॉर्टेस्ट फाइबर ऑन द बॉडी ऑफ अ न्यूरॉन इज कॉल्ड एज, जो हमारे न्यूरॉन्स मतलब जो हमारी तंत्रिका कोशिका में जो फाइबर पाया जाता है जो सबसे छोटा होता है उसको क्या बोलते हैं, दैट वाज अ डेंड्राइट्स, एक्सॉन्स है, साइटोप्लाज्म है या मेलानिन शीथ है, जो हमारे सबसे छोटे फाइबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं। यहां पर वीकेंद गामित को क्या लग रहा है, सबसे छोटे फाइबर्स जो हमारे न्यूरॉन्स तंत्रिका कोशिका में है उसको क्या बोला जाएगा। यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए डेंड्राइट्स, जितने लोग डेंड्राइट्स बोल रहे हैं बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं, डेंड्राइट्स सबसे छोटे फाइबर्स होते हैं जो कि हमारे लास्ट में अगर आप देखेंगे इस तरीके से डेंड्राइट्स निकले होते हैं जो कि कनेक्टिंग होते हैं दूसरे न्यूरॉन्स के। अभी आपको बताना है द हु वाज द फाउंडर ऑफ धर्म सभा इन कोलकाता, धर्म सभा कोलकाता में किसने फाउंड किया था, गोपी मोहन देव, भाई बालक सिंह या सर सैयद अहमद खान, राधाकांत देव। यहाँ पर जनता बोले सर सही जवाब होना चाहिए राधाकांत देव, दैट वाज द राइट आंसर। कूका मूवमेंट अगर पूछता तो भाई बालक सिंह के ऊपर हम लोग टिक कर देते कूका मूवमेंट, और अलीगढ़ हमारा जो एंग्लो कॉलेज है उसके स्थापना करने वाले थे हमारे सर सैयद अहमद खान। चलिए आगे तक चलते, आगे हमारे पास है व्हाट इज द कैपिटल ऑफ कनाडा, कनाडा की कैपिटल क्या है, बीजिंग, जॉर्ज टाउन, सेंटियागो, ओटावा। यहाँ पर जनता बोल रही है सर सही जवाब होना चाहिए हमारा जो कनाडा है ये सबसे लंबी कोस्टल लाइन है, मतलब इसकी समुद्र तट जो है वो सबसे लंबा है, और इसकी कैपिटल जो है वो कौन सी है, इसकी कैपिटल ये हमारे नॉर्थ अमेरिकन कंट्री ओटावा है, जो आपको याद रखना है। बाकी के भी आपको कैपिटल याद होनी चाहिए, बीजिंग इज द कैपिटल ऑफ चाइना, चाइना की कैपिटल बीजिंग है, जॉर्ज टाउन दिया हुआ है इसकी कैपिटल गुयाना है, और सेंटियागो की अगर बात करें तो इसकी कैपिटल ये किसकी कैपिटल है, चिली की। भैया ये सारे के सारे याद होने चाहिए, रैंडमली कोई भी आ जाए इनमें से तो आपको पता होना चाहिए। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है आपको बताना है। यहाँ पे रजिया सुल्ताना वॉज द प्रिसीडर ऑफ, पूर्ववर्ती किसकी थी, मतलब किसके पहले थी, प्रिसीडर का मतलब होता है किसकी पहले थी, और सक्सेसर का मतलब होता है इसके बाद थी। तो रुकनुद्दीन के पहले थी, बहराम शाह के पहले थी, मसूद शाह के पहले थी या बलबन के पहले थी। भाई 1236 से लेकर के 1240 तक इन्होंने रूल किया था, और 1240 के आगे कौन आया था, 1240 के आगे, क्योंकि इनके पहले ही होंगी। जनता बोल रही है सर इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, इसका सही जवाब होना चाहिए हाँ मोहम्मद बहराम शाह, जितने लोग बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही है। अगर सक्सेसर पूछा तो आप रुकनुद्दीन फिरदौस के ऊपर टिक करती, लेकिन यहाँ पर पूछा था प्रिसीडर, अब बहराम शाह के ऊपर टिक करिए। अगर आपसे पूछा सक्सेसर किसकी थी तो रुकनुद्दीन फिरदौस शाह की, ठीक है। चलिए बढ़िया आगे की तरफ चलते, आपको बताना फरवरी 2020 में टर्न अराउंड इंडिया 2020 स्मार्टिंग पोस्ट लेगेसी किसने शुरू की थी, टर्न अराउंड इंडिया जो है उसकी शुरुआत किसने की, गिरिराज सिंह, गजेंद्र सिंह शेखावत, जेनुअल ओरम या हमारे प्रहलाद जोशी, किस कैबिनेट मिनिस्टर ने इसकी शुरुआत की। गाइज हम लोग कौन से नंबर वाले क्वेश्चन पे आ चुके हैं, तो मात्र अभी 3 क्वेश्चन बचे हुए हैं, 72 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। चलिए तो हमारे डिफेंस के जो स्टैंडिंग कमेटी की जो चेयरमैन है जिनका नाम है जलान ओराम, जिनको अभी हमारे टर्न अराउंड इंडिया सबमिट जो है वो उसको इन्होंने जो है वो शुरू किया था, दैट वॉज द राइट आंसर। और इस किताब को लिखा था किसने, आरपी गुप्ता इज द राइटर ऑफ दिस बुक, तो टर्न अराउंड इंडिया दिस बुक वॉज एनोग्रेटेड बाई जेनुअल ओराम, और इसके जो राइटर थे वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आरपी गुप्ता जी, कौन थे, आरपी गुप्ता जी, और जेनुअल ओराम जो है ये कौन है, तो ही वॉज द चेयरमैन ऑफ स्टैंडिंग कमेटी ऑफ डिफेंस सर्विसेज। चलिए आगे की तरफ चलते हैं, दैट वॉज द फ्रिक्यांस किरान, भारत की पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री की स्थापना कब हुई, तो ये सबसे पहले तो फ्रांसीसी हमारे देश में कब आए थे ये आपको पता होना चाहिए, और उसके बाद से इन्होंने अपनी जो पहली फैक्ट्री स्थापित की उसका नाम था फ्रिक्यांस किरान, और उस समय फ्रांस के जो राजा थे वो थे लुई 14, याद रखिएगा लुई 14, ये देखिए मैंने लिख दिया यहाँ पे, याद रखिएगा। तो गाइस यहाँ पे सही जवाब होना चाहिए 1667 में इन्होंने अपनी पहली फैक्ट्री को खोला था, और ये हमारे इंडिया में 1664 में आए थे, 1664 में, लेकिन वांडीवॉस के युद्ध के बाद ये पूरी तरीके से क्या हो गए थे, पांडिचेरी तक सीमित होकर के रह गए थे। और गाइस ये जो फैक्ट्री थी ये इन्होंने खोली थी सूरत में, और उसके बाद से ये मुसलीपट्टनम की तरफ चले गए थे, मतलब साउथ इंडिया की तरफ। चलिए कोई बात नहीं, वनस्पति तेल जो है वो किस लिए प्रयुक्त किया जाता है, वनस्पति तेल बनाने के लिए कौन सी गैस इस्तेमाल की जाती है, तो वेजिटेबल घी से अगर आपको कौन सी गैस का इस्तेमाल करोगे, और यहाँ पर कैटलिस्ट के रूप में निकिल का इस्तेमाल करते हैं कि वेजिटेबल आपको ऑयल मिलता है,
तो यहां पर कौन सी गैस लिख दें गाइज? यहां पर ये बहुत सारे बार क्वेश्चन पूछा गया है, हाइड्रोजनेशन इसको बोलते हैं, मतलब हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। दैट वाज राइट आंसर, हाइड्रोजनेशन है, इसके कैटलिस्ट का नाम निकिल है और ये एक रिडॉक्स अभिक्रिया है। रिडॉक्स मतलब रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है इसमें, ठीक है। आगे की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या पूछने वाला है, बिरहा जो है, बिरहा एक जनजाति है, बिरहा फोक जो हमारा सॉन्ग है वो कहां पर, तो मालवा में, बुंदेलखंड में, बघेलखंड में, या इनमें से कोई नहीं। सबसे पहले तो ये मध्य प्रदेश का, और मध्य प्रदेश के कौन से रीजन का ये आपको बताना है। 74 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन इसके आज हम लोग, ये 75 नंबर का क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्लास। तो भैया ये हमारा बघेलखंड का जो है वो गाना है, बघेलखंड मौसमी गीत है, इसको गाया जाता है गूंड जनजाति के द्वारा ज्यादातर। तो यहाँ पर बघेलखंड इज द राइट आंसर। तो ये थी आज की क्लास। तो आज शाम की क्लास जो है किरण पब्लिकेशन की, हमको वैक्सीन लगवाने के लिए जाना है और वैक्सीनेशन के इज मोर इम्पॉर्टेंट। तो आप सभी लोग भी जब भी आपको स्लॉट मिलता है तो वैक्सीन लगवाइए। तो शाम की क्लास आज नहीं होगी 5 बजे, तो कल हम लोग मिलेंगे ठीक 10:30 बजे 10:30 पर, बिना किसी देर किए हुए अपने अलार्म को सेट कर लीजिए। 75 नंबर की क्लास जो है वो आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देने वाली। तो कंप्लीट लर्निंग ऑफ जीए, जिन लोगों को रिवीजन करना है, यूट्यूब पर यहीं पर हम मिलते हैं ठीक 10:30 बजे। कहां पर? टेक्स्ट बुक के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। तो जितने भी नए लोग हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन को दबा लो, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिले। दूसरा, अभी आपको जैसा कि कल यहां पर बहुत सारे लोगों ने किया था, कमेंट किया था क्लास के बाद, तो भैया क्लास के बाद कमेंट करिए, उनमें से कुछ लोगों को कंसीडर किया जाएगा आगे के रिवॉर्ड या अवार्ड के लिए। तो भैया कमेंट करिए और अपने वहां पर बताइए कि स्कोर क्या किया है आपने और क्लास आपको कैसे लगी। तो मिलते हैं अपनी कल की क्लास में, और हमारे साथ जो भी लोग जुड़ना चाहते हैं पीडीएफ के लिए, वो जरूर यहाँ पर टेलीग्राम का लिंक को ज्वाइन करें, टेक्स्टबुक एसएससी रेलवे सर्च कर सकते हैं, या लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप जो है वो बैचेस को ज्वाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर डीएसएसबी का बैच है, जिसमें कल मेरी पहली क्लास है, आप यहाँ पर इस कोड को डाल करके 20% का डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। गाइज मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय गाइज एंड टेक केयर।